दोस्तों हमारे सभी भूतपूर्व सैनिकों का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और दोस्तों मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ जो वन रैंक वन पेंशन की सुनवाई होने वाली है आज, यानी कि 2 अगस्त आज हो चुका। दोस्तों आप सभी को पता है, आप पहले तो एक बार स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो मेजर जनरल सतबीर सिंह के द्वारा अपडेट दी गई थी 2 तारीख को, यहाँ पर अब सुनवाई होने वाली है आज। यहाँ पर स्क्रीन पर आप अपडेट देख रहे होंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार से डेट को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वकीलों ने वहीं पर रोक कर उन्हें कहा कि ज़्यादा डेट न बढ़ाते हुए उन्हें 2 अगस्त को हियरिंग करनी ही पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी हमारे वेटरन्स, आप सभी को पता, काफ़ी परेशान हो चुके पिछले 5 सालों से जो धरना चल रहा दोस्तों, उसको लेकर वकीलों ने अब की बार आवाज़ उठाई। हमारे काफ़ी तगड़े वकील हैं जिन्होंने कि कहा कि 2 अगस्त को ही ओआरओपी की सुनवाई होगी, ना कि सर सुप्रीम कोर्ट का क्या था दोस्तों कि जैसे ही हियरिंग की डेट आई तो उसको बढ़ाकर 15 दिन बाद कर दिया, 1 महीने बाद उसकी नई डेट दे दी, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, अब की बार आज यानी कि पिछली जो सुनवाई थी वो 30 जुलाई को थी दोस्तों, और आज हो चुका 2 अगस्त, आज फिर वन रैंक वन पेंशन की सुनवाई है। हमारे वकीलों के द्वारा यह दलील दी गई कि जल्द से जल्द यानी कि 2 अगस्त का समय उन्हें दिया गया कि 2 अगस्त को ही वन रैंक वन पेंशन की सुनवाई होनी चाहिए। और दोस्तों मैंने ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसका जो ऑफिशियल पेज है उस पर जो हमारे सभी वेटरन्स का, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट जो ओआरओपी का केस है वो मैंने स्टेटस यहाँ पे ओपन कर रखा। जी हाँ दोस्तों, आप अपने फ़ोन में भी स्टेटस ओपन कर सकते हैं। आप यहाँ पर जैसे ही मैं लिंक दे दूँगा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, या आप खुद भी जाकर वहाँ पर ओपन कर सकते हैं। आप जैसे ही केस स्टेटस में जाएंगे दोस्तों, आपको एक बार दिखा देता हूँ दोस्तों, आपको इस प्रकार का आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार का यहाँ पर दिखेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर डायरी नंबर भरना है, यहाँ पर जो भी कैप्चा आएगा वो आपको यहाँ पर फिल करना। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि ईयर आपको 2016 भरना, आप सभी को पता होगा 2016 से ये केस रनिंग है चल रहा है दोस्तों। और उसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे, जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर बिल्कुल दिखाई देगा जो आप केस स्टेटस है वो पेंडिंग दिखा रहा है। जो यहाँ पर सुनवाई अपडेट की गई है वो 20/4/2021 की जो सुनवाई थी वो यहाँ पर अब तक अपडेट की गई है, और 30 जुलाई के बाद, जी हाँ दोस्तों मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, 30 जुलाई के बाद यहाँ पर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई है। आप यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों, कोई भी अपडेट यहाँ पर अभी तक नहीं आई है। तो आज इस सुनवाई में आशा करता हूँ कि हमारे सभी वेटरन्स जो इतने सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, या हमारे वकील अब बिल्कुल एक्टिव हो चुके हैं दोस्तों, उनके हक में ही आज फैसला आए, और अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग अभी चालू होगी। हमारे मेजर जनरल सतबीर सिंह जी हैं, सुदेश गोयत जी हैं, और हमारे बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक जो जंतर मंतर पर सालों से बैठे हैं, मैं कहना चाहूँगा, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सालों से वहाँ पर बैठे हैं और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार से भी सुप्रीम कोर्ट से भी। तो दोस्तों आज मैं आशा करता हूँ उनके हक में फैसला, और जैसे ही फैसला आए मैं आपको तुरंत अपडेट दूंगा दोस्तों। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, उसके बाद हम जो भी कोई भी वीडियो डालते हैं वन रैंक वन पेंशन की या अदर एम्प्लॉयज जो किसी भी प्रकार की सूचना थी हम डालते हैं, आपके द्वारा नोटिफिकेशन के द्वारा आपके फ़ोन पर वीडियो पहुँच जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आज सुप्रीम कोर्ट से आती है मैं आपको तुरंत सूचित करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।